इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। जैसे कल जैसे लास्ट जो वीडियो थी लेक्चर नंबर 1 की वीडियो थी उसमें एक एग्जांपल सोल्व किया था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी स्टेटमेंट है शो दैट द इक्वेशन 2x^7 3x^4 3x + k = 0 हैज एट लीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। तो कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना लेट f(x) = गिवन इक्वेशन, इसको नंबर 1 मान लेना। हम यहाँ पे k अननोन है, k के बारे में मालूम नहीं है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है या जीरो है, तो केस वन लेना है व्हेन k इज पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव हो तो तब क्या करना है इसमें f(x) = 2x^7 3x^4 3x, मतलब ये पॉजिटिव है तो इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, कोई चेंज नहीं है, नो वेरिएशन ऑफ साइन। इसका इसमें पॉजिटिव रूट्स नहीं है, इसमें कोई भी पॉजिटिव रियल रूट्स नहीं है। उसके बाद x को माइनस x चेंज करो, f ऑफ माइनस x ये ऑड है तो माइनस बन जाएगा, इवन है प्लस का प्लस रह जाएगा, ये ऑड है माइनस है, ये की हमने ऑलरेडी पॉजिटिव माना है। यहाँ वेरिएशन देखिए, माइनस से प्लस एक वेरिएशन, प्लस से माइनस दो, माइनस से प्लस है, यहाँ पे तीन वेरिएशन है, यहाँ पे तीन नेगेटिव रूट्स हैं। पॉजिटिव रियल रूट्स कोई नहीं है, नेगेटिव रियल रूट्स हमारे पास तीन है। तो यहाँ लिखना आपने कैसे है, द गिवन इक्वेशन 1 has at most 3 real roots। जब real roots जो positive negative निकालते हैं तो उसको language में कैसे लिखना है, इसमें 3 real roots या 3 से कम हो, ज्यादा से ज्यादा 3 real roots हैं, real roots 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, उसमें at most का यह meaning है, या कोई भी real roots नहीं हो सकता। तो क्या लिखा है, given equation has at most 3 real roots। अब डिग्री ऑफ इक्वेशन इसकी 7 है, ये जो इक्वेशन देखिए इसकी डिग्री कितनी है 7 है, तो आपने क्या करना है, जो रियल रूट्स आए हैं वो डिग्री में से कटा दो, डिग्री 3 इसकी डिग्री 7 है, रियल रूट्स हमारे पास 3 आए हैं और यहाँ पे इनका डिफरेंस करें तो 4 आया, तो आपने क्या लिखना है इन दिस इक्वेशन, लिस्ट नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स इक्वल टू 4। तो इमेजिनरी रूट्स क्या है, लिस्ट लिखा है, इसका 4 या 4 से ज्यादा हो सकते हैं, 4 या 4 से ज्यादा हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट केस हम सेकंड आते हैं, व्हेन k इक्वल टू 0, जब हम k को 0 पुट करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू ये 0 हो जाएगा इसमें, तो f(x) का 2x^7 3x^4 3x। यहां पे वेरिएशन ऑफ साइन तो नहीं है लेकिन इसमें x इक्वल टू 0 पुट करने से ये 0 हो जाता है इसमें, तो इसलिए एक पॉजिटिव रूट्स लिखा है व्हेन x इक्वल टू 0, ये इसका एक रूट हो गया। उसके बाद हम चेंज x टू माइनस x करेंगे, तो यहाँ माइनस ये प्लस ये माइनस, दो वेरिएशन ऑफ साइन यहाँ हुए और एक रूट हमें यहाँ मिल रहा है x इक्वल टू 0 उसको सेटिस्फाई करता है, तो टोटल हमारे पास 3 रियल रूट्स हुए। फिर आपने वैसे लिखना होगा गिवन इक्वेशन f(x) हैज एट मोस्ट 3 रियल रूट्स, तो अमेजिंग रूट्स क्या होंगे इसमें, डिग्री ऑफ इक्वेशन में से रियल रूट्स को डिफरेंस कर दो जो 4 आएगा, लेकिन लैंग्वेज कैसे लिखनी है इसमें है, गिवन इक्वेशन हैज एट लीस्ट कम से कम उसमें 4 इमेजिनरी रूट हो सकते हैं, 4 से ज्यादा हम रूट्स की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स क्या है ये कंजुगेट पेयर में आते हैं, 4 के बाद वो 6 उसमें हो सकते हैं, तो डिस्कार्ड रूल ये जो मैं लिख रहा हूँ एट लीस्ट या एट मोस्ट है, ये डिस्कार्ड जो रूल है डिस्कार्ड मेथड है उसकी लैंग्वेज है, उसमें हम इस रिकॉर्ड करना है। थर्ड केस लेते हैं, केस नंबर 3, तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं केस नंबर 3 को, When k is negative, अगर k negative है तब कैसे होगा, k negative है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये negative आएगा, यहाँ पे क्या है one change of sign हुआ, ये plus minus, यहाँ पे क्या है one change of sign, तो there is यहाँ पे क्या आएगा one positive root। अब हमने change किया x to minus x, ये already k हमें क्या मान है, कि हमने माना है नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव कर दो, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, एक वेरिएशन माइनस से प्लस, प्लस से माइनस ही कंटिन्यूशन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पे कितने हुए इसमें, हियर वी हैव टू चेंजेस ऑफ साइन, दो साइन में चेंज है, तो देयर आर टू नेगेटिव रूट्स, तो टोटल रूट्स कितने हो गए इसमें है, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो यहाँ हमने कोट कैसे करना, द गिवन इक्वेशन हैज एट मोस्ट 3 रियल रूट्स, डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी है इसकी 7 है, तो लिस्ट नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स में हमारे पास 4 आएंगे। तो जो तीनों केस है, तीनों केस में इमेजिनरी रूट्स हमें क्या मिल रहे हैं, एट लीस्ट 4, तो यहां पे स्टेटमेंट में आइए, शो दैट द गिवन इक्वेशन दिस हैज एट लीस्ट 4
फोर इमेजिनरी रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के। हर के की वैल्यू पे कम से कम चार इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो पहला केस हमें के पॉजिटिव माना था, सेकंड में हमें के जीरो लिया था, और थर्ड केस हमें क्या माना था, के इक्वल नेगेटिव है। लेकिन तीनों केस में हमारे जो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं वो कम से कम फोर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। शो दैट द इक्वेशन एक्स की 7 प्लस एक्स की 4 प्लस 8 एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट फोर इमेजिनरी रूट्स फॉर आर वैल्यू ऑफ के। तो कैसे आपने इसको सोल्व करना है, जैसे पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम। तो पहले आपने इक्वेशन को लिखना है fx इक्वल टू x की 7 प्लस x की 4 प्लस 8x प्लस k, ये आपने पुट करना है। केस नंबर 1 लेना है आपने व्हेन k इज पॉजिटिव। अगर k पॉजिटिव है तो यहां लिखना x की 7 प्लस x की 4 प्लस 8x प्लस k। इसके निशान देखिए, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कोई वेरिएशन ऑफ साइन नहीं है इसमें, है चेंज x टू माइनस x। इसमें माइनस x की 7 ये इवन पावर है, चेंज नहीं आएगा, ऑड है चेंज आएगा। इसमें इक्वेशन देखिए, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस यहाँ पे प्लस, एक वेरिएशन माइनस से प्लस, ये दूसरी वेरिएशन, ये तीसरी वेरिएशन। तो इसमें क्या आगे तीन नेगेटिव रूट्स है, इसमें पॉजिटिव रूट्स कोई नहीं है, और इमेजिनरी रूट्स क्या है, लिखना कैसे होगा, द गिवन इक्वेशन हैज एटमोस्ट थ्री रियल रूट्स और एंड दिस इंप्लाइज द गिवन इक्वेशन हैज एटलीस्ट 7 माइनस 3 इक्वल टू 4 इमेजिनरी रूट। इसी तरह आपने जैसे पहले क्वेश्चन किया था उसी तरह के जीरो पुट कर देना, और उसके बाद आपने क्या करना होगा, के को नेगेटिव पुट करना। तीनों केस में हमारे पास क्या आएगा, एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये इस तरह कह रहे स्टेटमेंट में, इन एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स नो ऑड पावर ऑफ द वेरिएबल एंड ऑल इट्स टर्म आर पॉजिटिव, प्रूव दैट ऑल द रूट्स ऑफ आर कॉम्प्लेक्स। अब यहां देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन है। हम एग्जांपल मान लेते हैं, मानते हैं fx इक्वल टू x की 8 प्लस 2x की 6 प्लस 3x की 4 प्लस x स्क्वायर। जो x की x वेरिएबल है और जो x की पावर वो सारी इवन कह रहा है, और कोई नहीं कह रहा है, और जो कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें ये प्लस 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 प्लस, कोई वेरिएशन नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी इसमें नेगेटिव पॉजिटिव रूट्स नहीं है। चेंज x टू माइनस, क्योंकि ये पावर ऑड है तो ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, इसमें कोई नेगेटिव या रूट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें देयर इज नो रियल रूट्स, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ऑल रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स, सारे के सारे क्या रूट्स आएंगे वो इसमें इमेजिनरी आएंगे। अब कोई और एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर, और नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। इस एग्जांपल में है, शो दैट द इक्वेशन x की पावर 2 एन माइनस 1 हैज ओनली टू रियल रूट्स। x की पावर है इवन, तो आपने सॉल्यूशन कैसे निकालना है, लेट fx इक्वल टू x की पावर 2 एन माइनस 1, क्योंकि ये पावर इवन है तो f ऑफ माइनस x भी में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम आएगा x की पावर 2 एन माइनस 1। यहां पे चेंज ऑफ साइन देखिए, प्लस माइनस, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव रूट कितने आ गए, यहाँ पे देयर इज वन पॉजिटिव रूट, यहाँ पे नेगेटिव रूट कितने हैं, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं वो रियल रूट्स हैं। तो गिवन इक्वेशन हैज एट मोस्ट टू रियल रूट्स, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम एक्स वन पुट करेंगे, वन की पावर टू एन, वन होता है वन माइनस वन जीरो, इसका मतलब वो रूट होगा। अगर माइनस वन पुट करें यहाँ पे, माइनस वन की पावर टू एन, क्योंकि पावर क्या है, पावर इवन है, तो माइनस सेवन की पावर टू है या प्लस सेवन की पावर टू एन ले, तो दोनों केस में राइट हैंड साइड जीरो बनती है, इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड इसमें जीरो बनती है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें x इक्वल टू वन और माइनस वन हमें मालूम है, इसके दो रियल रूट्स हैं। तो फिर आपने क्या लिखना होगा, यहाँ पे था ना एटमोस्ट टू रियल रूट्स, तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, दिस इंप्लाइज गिवन इक्वेशन हैज एग्जैक्टली टू रियल रूट्स। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसमें है। और स्टूडेंट जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, एक एग्जांपल है जिसमें सी गिवन है अनोन, और एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें अनोन दिया हुआ है के। ये ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो अक्सर एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पुट करता है। थैंक यू स्टूडेंट।